दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। मेरा नाम अंकित शर्मा है। मैं दिल्ली के आनंद विहार का रहने वाला हूँ। मैं आईटी कंपनी में मैनेजर हूँ। ये घटना तब की है जब मैं 28 साल का था और मेरी पत्नी श्वेता 7 महीने प्रेग्नेंट थी और अपने बच्चे का ख्याल रखने के लिए उसने अपनी जॉब से छुट्टी ली थी। उस रात शाम को जब मैं ऑफिस से लौटा तो हमने पास के ही एक पार्क में टहलने का प्रोग्राम बनाया। रात के 9 बज रहे थे और हम अपनी कार से वहाँ पहुँचे ताकि रात को वापस आते वक्त दिक्कत ना हो। वहाँ हम आधे घंटे तक टहलते रहे। उसके बाद हमने वापस जाने का फैसला किया। मैं ड्राइवर सीट पर बैठा था और जैसे ही श्वेता ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो एक बूढ़ी औरत उसके कपड़े को खींचने लगी। हम इसे नॉर्मल बात समझकर उसे बिना पैसे दिए कार में बैठ गए। हम थोड़ी ही दूर चले थे कि हमारी गाड़ी रेड सिग्नल पर रुकी और फिर वही बूढ़ी औरत हमें दोबारा दिखाई दी। हम उस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए घर पहुंच गए। अगली रात मैं किसी बिजनेस मीटिंग के लिए शहर से बाहर चला गया और श्वेता घर पर अकेली थी। रात को करीब 2 बजे उसकी नींद खुली तो जो उसने देखा उससे वह बुरी तरह से कांप गई। उसने देखा कि वही बूढ़ी औरत उसके बेड के बगल में बैठी हुई थी और बोली, मेरे करीब आओ। एक बार तो श्वेता ने सोचा कि शायद वह सपना देख रही है, लेकिन जब उसने अपनी आंखें बंद करके वापस खोली तब भी वो औरत वहीं खड़ी थी। उसकी दिल की धड़कनें बढ़ती गईं और ये सोचकर कि वह औरत बच्चे को नुकसान ना पहुंचाए, श्वेता घर के दरवाजे की तरफ बढ़ी और बाहर निकलकर पड़ोसियों से मदद मांगने लगी। वह बुरी तरह से डरी हुई थी, लेकिन उसने पड़ोसियों को ज़्यादा कुछ नहीं बताया ताकि वह लोग उसे पागल ना समझ बैठें। उसने तुरंत मुझे फ़ोन किया और मैं उसी वक्त गाड़ी से सुबह 5 बजे के करीब घर पहुंच गया। इसके बाद श्वेता ने मुझे सारी बात बताई। मैंने फटाफट ये बात अपनी माँ को बताई और वह तुरंत मेरे घर आई और उन्होंने घर में छोटी सी पूजा करवाई ताकि वह बूढ़ी औरत दोबारा ना दिखाई दे। उस पूजा के बाद हमने कभी उस बूढ़ी औरत को नहीं देखा। तो इस तरह दोस्तों, मेरी माँ की सलाह से श्वेता और मेरा बच्चा सुरक्षित है। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि गर्भ अवस्था के दौरान महिलाओं को कुछ जगहों का ध्यान रखना पड़ता है जहां से कुछ आत्माएं अक्सर साथ लग जाती हैं। दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।